कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी और उनके पति जो कि बूढ़े हैं। बूढ़े होने के वजह से वो आदमी अपने पति को ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। इस वजह से उसका अफेयर एक गैरेज मिस्त्री से कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर। शुरुआत में हम सनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने काम के वजह से शहर आ रहा था। दरअसल वहाँ पर एक गैरेज के अंदर जॉब करने के वजह से आया था, लेकिन सनी को वहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। इस वजह से वो जॉब उसे नहीं बल्कि किसी और को मिल गया। अब रात में सनी सड़कों पे भटकता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो एक होटल रूम भाड़ा करे। इस वजह से सड़क के उस पार एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर अपने कार को लेने आता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक चोर अटैक कर देता है। ये सब चीज बैठकर सनी देख रहा था और उसने उस बूढ़े आदमी की भी मदद की, जिस वजह से वो चोर वहाँ से भाग गया। उसके बाद ही वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस चले आते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है इस बूढ़े आदमी का नाम जॉर्ज है। जब जॉर्ज पुलिस के साथ उस चोर के बारे में डिस्कस कर रहा था, तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है जिसका नाम लेरिसा है। उसके बाद जॉर्ज एरिसा को सनी से मिलवाता। जॉर्ज की जान बचाने के लिए सनी को वो डिनर पर इनवाइट करते हैं। डिनर पर जाकर जॉर्ज सनी के बारे में कुछ पूछता है, तब सनी बोलता है वो यहाँ पर एक गैरेज पर काम करने के लिए आता है, लेकिन उसे वो काम नहीं मिलता। उसी समय जॉर्ज को याद आता है उसके गैराज में काम करने के लिए भी एक आदमी की जरूरत है। इस वजह से जॉर्ज सनी को जॉब का ऑफर करता है, जिसके बदले में उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। इधर सनी भी जॉर्ज के गैराज पर काम करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे एक काम की सख्त जरूरत थी। इसके बाद जॉर्ज सनी को एक अच्छा सा कमरा दे देता है जहाँ पर वो काम करने के बाद रह सकता है। अब रात में एरिसा जॉर्ज से सनी के बारे में पूछता है। इधर हमें पता चलता है कि एरिसा खुश नहीं था सनी के आने की वजह से। दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं जो कि के पीछे से सब सुन रहा था। उसके अगली सुबह जॉर्ज सनी को सारे काम गैरेज का दिखा देता है और उसे क्या क्या करना है वो भी उसे दिखा देता है। उसके बाद जॉर्ज सनी को अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता है। दरअसल ये कार जॉर्ज एरिसा को गिफ्ट करने वाला है, लेकिन ये गाड़ी अभी तक चलने के लिए तैयार नहीं हुआ था। अब इसके बाद सनी जॉर्ज के गैरेज में मन लगाकर बहुत काम करता है, इस वजह से वो जॉर्ज का दिल जीत लेता है। इसी बीच हमें ये पता चलता है जब सनी अपने गैरेज पर काम करता रहता है तब उसे एरिसा गंदे नजरों से देखता है, लेकिन कुछ दिन बाद सनी को भी ये पता चलता है कि एरिसा उसके ऊपर नजर रख रही थी। उसके बाद एक दिन एरिसा सनी को जाकर बोलता है अगर वो उसे गंदे नजर से इस तरह देखती रहता है तो वो उसे काम से निकाल देंगे। लेकिन सनी को उसके बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब सबसे पहले एरिसा ने शुरू किया था। अगले दिन रात पर सनी जॉर्ज के घर डिनर पर जाता है, जहाँ से जॉर्ज जाने के बाद उसके पत्नी के साथ वो सेड्यूस करने लगता है। उसके अगली सुबह सनी बहुत खुश था क्योंकि उसको जॉर्ज के कार का कार्बोरेटर फाइनली मिल गया, जिसे कि जॉर्ज बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। इसी बीच जॉर्ज अब कार का कार्बोरेटर लेने के लिए शहर चला जाता है, तभी एरिसा सनी के पास आता है और वो दोनों एक साथ बहुत करीब आ जाते हैं। उसके कुछ देर बाद ही जॉर्ज शहर से कार्बोरेटर लेकर चला आता है और सनी भी कार्बोरेटर को कार पर सेट कर देता है। कार्बोरेटर लगाने के बाद जॉर्ज उस कार को लेकर एक टेस्ट ड्राइव लेता है और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उस कार के चाबी को अपने पत्नी को दे देता है। इसी बीच रात पर जॉर्ज और सनी दोनों एक साथ शराब पीते हैं, जहां पर उन दोनों में काफी अच्छी बातचीत होती है। शराब पीते पीते जॉर्ज अचानक बेहोश हो जाता है। इसी मौके पर सनी उसके पत्नी के पास जाता है और वो दोनों बहुत करीब आते हैं। लेरिसा और सनी करीब होने के बाद सनी लेरिसा से पूछता है कि उसने जॉर्ज से शादी क्यों की। तब लेरिसा सनी को बोलता है वो बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली की एक लड़की है, वो एक होटल में काम करता है, इस वजह से पैसे के लिए उसने जॉर्ज से शादी की ताकि उसके पैसे पर वो ऐश कर सके। इसी बीच एरिसा बोलता है कि वो सनी के साथ भागने के लिए भी राजी है। उसके बाद अगली सुबह जॉर्ज सनी को एक मैदान पर ले आता है, जहां पर कुछ ही दिनों में सड़क बनने वाली है सिटी पर जाने के लिए, जिस वजह से कुछ ही दिनों में इस जमीन की दाम बहुत ही बढ़ने वाला है। इस वजह से जॉर्ज ने पहले से ही इस जमीन को खरीद लिया है और यहाँ पर वो एक पार्क भी बनाने वाला है, जिसके वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। फिर सनी जॉर्ज के सारी बातें एरिसा को बोल देता है, जिसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं वो लोग जॉर्ज को मारकर उसका सारा संपत्ति हड़प लेंगे। उसके बाद रात में सनी जॉर्ज को कैसे मार सकता है इस वजह से सोचता है। उसके बाद अगली सुबह जब जॉर्ज एरिसा को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताता है तो वो दोनों अपने आप को हक करने लगते हैं, जिसे देखकर सनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और कुछ ही दिनों में वो पार्क का काम शुरू हो जाता है, जिसके वजह से जॉर्ज बाहर रहता है और एरिसा सनी दोनों घर पर एंजॉय करते हैं। जिसके बाद सनी जॉर्ज को मारने का प्लान बनाता है, जिसे देखकर एक्सीडेंट लगे ना कि मर्डर, इसलिए सनी जॉर्ज को मारने के लिए एक ट्रैप बनाता है जिसके लिए उसे एक पॉइंट पर लाना होगा। उसके बाद एरिसा लीवर खींचकर उसके ऊपर एक ट्रक को गिरा देगी। अगली सुबह सनी जॉर्ज को अपने पास
राज बुलाता है उसे मदद करने के लिए। उसी वक्त एरिसा भी वहाँ पर चला आता है और फिर लीवर खींच कर वो दोनों जॉर्ज को मार देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जॉर्ज तो मर चुका है, लेकिन उस ट्रैक्टर के नीचे सनी का भी हाथ आ चुका था। जिसके बाद सनी लेरिसा को शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए बोलता है ताकि पुलिस को उन दोनों के ऊपर कोई शक ना हो। फिर सनी पुलिस को फोन करता है और लेरिसा जब शॉपिंग कर रही थी तभी पुलिस उसे फोन कर बोलता है कि उसके पति मर चुके हैं। घर आने के बाद लेरिसा का मुलाकात एक डिटेक्टिव से होता है जो उसे बोलता है उसके पति एक एक्सीडेंट के वजह से मर चुके हैं, जिसे सुनकर लेरिसा झूठ मूठ का ड्रामा करने लगती है। रात में वो डिटेक्टिव लेरिसा और सनी पर शक करता है कि शायद उन दोनों ने ही जॉर्ज को मारा है। जिसके अगली सुबह वो डिटेक्टिव सनी से मिलने के लिए जाता है और उसे पूछताछ करता है। तब सनी बोलता है हमारा गैराज बहुत ही ज्यादा पुराना है जिस वजह से वो लीवर नष्ट हो चुका था, इसलिए जॉर्ज का जान चला गया। जिसके बाद वो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर आकर वो उन दोनों के ऊपर नजर रखता है। जॉर्ज के मरने के बाद सनी और लेरिसा को बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी मिल रहा था, इस वजह से वो हर वक्त वो दोनों करीब आते हैं। जिसके बाद लेरिसा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है जो कि जॉर्ज का सपना था।